हाँ जी 156। उनको ऊपर कर दोगी ना कर जाएगा ऊपर मत चली गई छोटी जय ना से मल मेल ना हो सको जी 158 दिव्य भैया। बोलिए मैं दे दीजिए 158 158 ये 63 है बेटा 158 सेद भावो 158 परमठो खलु संशो सदो जो केवल बोले 158 बत्थस्य सेद भावो ये वाले बोलो 158 158 हाँ 158 हमारा सब दूसरे चीज में यही है। हाँ पढ़िए परमठो खलु संशो सदो जो केवली मुणे ताई छेदा सहावे मुणो पावन तिल बारम 158 तो ये कहाँ से आपके में भी है क्या? हाँ 158 में तो किसी भी ग्रंथ में नहीं है। 151 बोला उन्होंने। 158 बोलो। 158 ये दूसरा वाला है। कोई सा भी वो गाथाओं की संख्या गाथाओं के अंक कहीं गड़बड़ नहीं है। कहीं तात्पर्य भी ठीक नहीं है ना। जयसेन आचार्य वाले जयसेन आचार्य की नहीं। कौन सा है आपके पास ग्रंथ?
अजमेर वाला हाँ उसमें नहीं मिलेगा विज्ञान सागर में उसमें नहीं और दूसरा नहीं है नहीं 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 अजमेर वाला तो ज्ञान सागर भी वाला उसमें तात्पर्य वृत्ति के अनुसार नंबर दे रहे हैं चलिए तिलकमणि भाभी जी 158 जी दीदी जी बत्तस से दबावो जैना से दी मल मेलना सत्तो अन्नान अन्नान मलो छन्नम ते अन्नान मलो छन्नम ते नानम हो दिना अन्नान मलो छन्नम यहाँ रुको आप पेंसिल लेके नहीं बैठते पेंसिल लेके नहीं बैठते हाँ दीदी दी। तो सावधानी से पढ़ना है मलोच्छन्नम यहाँ रुकिए अन्नान मलोच्छन्नम तेहनानम भोजिना दब्बम 159 156 भव्या जी मुत्तूणनिच्छयट्ठं व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति परमट्ठमसि दानदु जदीन कम्मखलो कम्मखो वियो विदुषा दामे छोटे की मात विदुषा नहीं विदुषा हाँ जी 157 बालाजी बहन जी बंसत से दबाओ जैना से दी मन मेखना संतो सतो दोबारा पढ़ो मत से दबाओ जैना से दी मन एक सौ 158 लब्धि जी जी दीदी वत्थस से दबाओ जहना से मल मिलना सत तो अन्नान मलोच्छन्नम तह नानम नानम नहीं 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 अभी पेंसिल लेके नहीं बैठे मैं पढ़ाती हूँ खास करके जब गाथा पूरी पढ़ाती पहले तो सिखाती हूँ उच्चारण उस पर निशान नहीं लगाना जब लय में गाथा बुलवाती थी वो समय कहाँ रुकते हैं वहां निशान लगाना तो अन्नान मलो छन्नम यहां रुकना पढ़िए पुनः दीदी पूरी स्टार्टिंग से पढ़ू हाँ जी वत्स से दबावो जहरा से दी मल मिलना सत्तो अन्नान मलोच्छन्नम तह नहीं 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 छन्नम अन्नान
अन्नानमलोच्छन्नम दहनानम होदिनादवम। बहुत अच्छा। अब 169वीं, चलिए लब्धि की मम्मी, अपने भव्या की मम्मी पढ़े। बत्थस भेद भावो जहना से दिमल मेलना सत्तो कसाय मलोच्छन्नम तह चारितम बिना दवम। दिव्य भैया, दिव्य जी, जी, अभी मैं पीडीएफ खोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए 160वीं से अपन शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से 10 गाथा बाद इनको मिलेगी, मेरे ख्याल से अतिरिक्त 10 गाथा इसका पहले है। तीन बार बोलना। संसार समावन्नो न विजानति सो सव्यनान दर्शी कम्मरयेन नियेन वच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानति सौवदो सवम सो सव्यनान दर्शी कम्मरयेन नियेन वच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानति सौवदो सौवम् सो सव्यनान दर्शी कम्मरयेन नियेन वच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानति सौवदो सौवम्। अर्थ देखते हैं, पहले जो अक्षर जुड़े हैं उन्हें अलग कर लें। जो ये निये ना वच्छन्यो, यहाँ नियेन
अवच्छन्नो नीन अवच्छन्नो अर्थ देखिए सो वह इन्हें वह आत्मा सब नान दर्शी सब सभी को नान जानने वाला दर्शी देखने वाला यानी यद्यपि वह आत्मा सभी को जानने देखने स्वभाव वाला है यानी सर्वज्ञ और सर्वदर्शी स्वभाव वाला है तथापि कर्म रूपी रज से द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों ले लेना तो कर्म रूपी रज से वो भी किसकी नियन अपनी किसी दूसरे की थोड़ी अपने कर्म रूपी रज से अवच्छन्नो ढका हुआ ढक गया यानी स्वभाव तो है सर्वज्ञ सर्वदर्शी सारा लोकालोक जाने एक साथ और सारा लोकालोक एक साथ देखे ऐसा स्वभाव परंतु स्वयं कर्म रूपी रस से ढक गए इसका परिणाम क्या निकला संसार समावण्णो संसार को प्राप्त हो गया संसार में दूर रहा और ना नहीं बिजान भी जान पाता है सब दो सब ओर से सबम सबको यानी थोड़े थोड़े से ज्ञान को तरस रहा है यानी स्वयं यह भगवान आत्मा सर्वगुर सर्वदर्शी होने पर भी स्वयं ही कर्म रूपी रज के द्वारा आच्छन्न होता हुआ संसार दशा को प्राप्त करता हुआ सब ओर से सभी को जान नहीं पाता है देख नहीं पाता बिल्कुल सामान्य सा दर्पण बहुत अच्छा हो और उस पर धूप चढ़ गई चेहरा नहीं दिखेगा तो उपाय किया धूल हटा दो ऐसे ही शाश्वत भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तो स्वभावी परंतु कर्म रूपी धूल उस पर चढ़ी है द्रव्य कर्म भाव का धूल दोनों इससे संसार दशा को प्राप्त हुआ और सब कुछ जानने में समर्थ नहीं है पढ़िए कम में छोटा रथ छोटा रहा है बड़ा रहा है आपके जब बुलवाती हूँ तब मन नहीं लगाते हैं निये ना वच्छन्नो सो सर्वणा दर्शी कमरा कमरा बड़ा क्यों दिख रहा सबको संसार समावन्नो हाँ दीदी
पढ़िए। सो सवर्णान धरिसि कमरेण नियेणवा। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सो सवर्णान धरिसि कमरेण नियेणवा छन्नो संसार समावन्नो न विजान दि सवदो सवम। बहुत अच्छा। अब इसके बाद जो तीन गाथाएं काफी कुछ इसमें मिलती जुलती हैं, बस थोड़े थोड़े से शब्दों का अंतर होगा, बाकी मिलती जुलती हैं। देखिए सम मतलब कीजिए एकदम सावधानी से सम्मत 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 परिनिबद्धम 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 मिच्छत्तम 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 जिनवरे हि जिनवरे हि जिनवरे हि जिन्वरे परी कहियम परी कहियम परी कहियम परी कहियम तस्सोदयेन 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 जीवो 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 मिच्छादिक्षिति मिच्छादिक्षिति नादपो सम्मत्ते परिनिबद्धम् मिच्छत्तम् जिनवरेहि परिकहियम् तस्सोदयेन जीवो तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिक्षित्तिनादवो सम्मत्ते परिनिबद्धम् मिच्छत् तम जिनवरे ही परी कहियो कहियम तस्सो दयेन जीवो मिच्छा दिखिति ना दवो। आप ग्रंथ में नहीं देख रहे हैं, उसका खेल कर रहे हो, देखो कैसा कर दिया, पाप नहीं लगेगा, धर्म का शास्त्र है। सम्मत्ते परिनिबद्धम् सम्मत्ते परिनिबद्धम् मिच्छत्तम् जिनवरे हि परि कहियम् मिच्छत्तम् जिनवरे हि परि कहियम् तस्सोदयेन जीवो तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिक्षित्तिनादवो मिच्छादिक्षित्तिनादवो। अर्थ देखते हैं पहले तस्सोदयेन, इसको अलग अलग करेंगे, तस्स उदयेन तस्स उदयेन। अब अर्थ देखें सम्मत्तो सम्यक्तो, सम्यक दर्शन
उसका परिनिबद्धम रोकने वाला सम्यक्त को रोकने वाला मिच्छत्तम मिथ्यात्व जिनवरे ही जिनेन्द्र भगवान के द्वारा परिकयम कहा गया है। यानी सम्यक्त को रोकने वाला मिथ्यात्व है ऐसा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। तस उस मिथ्यात्व का उदयन उदय होने से जीवो जीव मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि ती ऐसा नादब्बो जानना चाहिए। यानी सम्यक्त को रोकने वाला मिथ्यात्व तो है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। उस मिथ्यात्व का उदय होने से जीव मिथ्या दृष्टि होता है ऐसा जानना चाहिए। यानी मिथ्यात्व ये अपना स्वाभाविक भाव नहीं है, विकृति है तो उसकी प्रकटता हो तो मिथ्यात्व होता है, प्रकटता ना हो तो मिथ्यात्व नहीं होगा। प्रकटता ना हो मतलब अपने को शाश्वत भगवान आत्मा माने तो मिथ्यात्व की प्रकटता नहीं होगी, सम्यक्त हो गया, ये हम बता रहे हैं। चलिए पढ़िए। परिनिबद्धं मिच्छत्तं जिनवरे परिकयम् तस्योदयेन जीवो मिच्छादिदिनादपो। बहुत अच्छा। हाँ जी मंजू बहन जी। हाँ दीदी। सम्मत परिनिबद्धं मिच्छत्तं जिनवरे परिकयम् तस्योदयेन जीवो मिच्छादिदिनादपो। प्रियंका बहन जी। सम्मत्त पडिनिबद्धं मिच्छत्तं जिनवरेहि परिकहियं तस्योदयेन जीवो मिच्छादिट्ठित्तिणादवो। अब अगला देखिए। नानस्स 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 पडिनिबद्धं जिनवरे परिकर्यम् तस्योदयेन जीवो तस्योदयेन जीवो तस्योदयेन जीवो तस्योदयेन जीवो अन्नानि 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 ओदिनादवो 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 नानस्से पडिनिबद्धं अन्नानं जिनवरेहि परिकयम् तस्योदयेन जीवो अन्नानि ओदिनादवो। नानस्य परिनिबद्धं अन्नानं जिनवरेहि परिकयम्
तस्सोदयेन जीवो अन्नानि भोजिनादवो नानस्य पडिनिबद्धम् अन्नानम् जनवरे ही परे कहियम तस्सोतैन जीवो अन्नानि ओदिनाय दब्बो नीचे का ये अक्षर जुड़ा हुआ है तस्सोदयेन तस्सोदयेन नानस्य ज्ञानिका नानस्य ज्ञानिका परिनिबद्धम रोकने वाला मतलब ज्ञान को रोकने वाला अन्नानम अज्ञान है जिनवरे ही जिनेन्द्र भगवान के द्वारा परिकयम ऐसा कहा गया है नहीं ज्ञान को रोकने वाला अज्ञान है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है तस उस अज्ञान का उदय होने से जीवो जीव अन्नानी अज्ञानी होदि होता है नांदभु ऐसा जानना चाहिए ने ज्ञान को रोकने वाला अज्ञान है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उस अज्ञान का उदय होने से जीव अज्ञानी होता है ऐसा जानना चाहिए बस थोड़ा ही समय रह गया है ज्यादा समय रह गया हाँ जी पढ़िए ज्योति बहन जी दीदी नाणस्य पणिनिबद्धम् अन्नानं जिनवरेहि परिकहियम् तस्सोदयेन जीवो अन्नानि होदिनादब्बो अन्नानि पड़ी अन्नानि पड़ी अन्नानि अन्नानि होदिनादब्बो अनुराधा बहन नाणस्य पडिनिबद्धम् अन्नानं जिनवरेहि परिकहियम् तस्सोदयेन जीवो अन्नानि होदिनादब्बो आपने भी छोटी कर दी अन्नानि होदिनादब्बो बड़ी रहना तो उसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा अन्नानि होदिनादब्बो हाँ जी भव्या जी नाणस्य पणिनिबद्धम् अन्नानं जिनवरेहि परिकहियम् तस्सोदयेन जीवो अन्नानि होदिनादब्बो अगली गाथा और देखते हैं शब्द चूंकि पहले आ चुके हैं पिछली तीन गाथा और ये तीन गाथा एक जैसी ही लग रही है इसमें भी कर्म को मोक्ष का तो क्या अंतर है इनमें था मिथ्यात्वादी की ओर से इनमें सम्यक्त्वादी की ओर से
यानी इनमें विकार की मुख्यता से और इसमें स्वभाव की मुख्यता से। चारित्त 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 परिनिबद्धम 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 कसायम 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 जिनवरे ही परिकल्यम जिनवरे ही परिकल्यम जिनवरे ही परिकल्यम जिनवरे ही परिकल्यम तस्सोदयेन जीवो तस्सोदयेन जीवो तस्सोदयेन जीवो अचरितो 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 होदी नादवो होदी नादवो होदी नादवो होदी नादवो चारित्र परिनिवत्थम चारित्र परिनिवत्थम कसायम जिनवरे ही परी कहियम कसायम जिनवरे ही परी कहियम तस्सोदयेन जीवो तस्सोदयेन जीवो अचरितो हो विनादवो अचरितो हो विनादवो चारित ते परिनिवत्थम चारित परिनिवत्थम कसायम जिनवरे हि परि कहियम कसायम जिनवरे हि परि कहियम तस्सोदयेन जीवो तस्सोदयेन जीवो अचरितो ओ दिनादवो अचरितो ओ दिनादवो यहाँ भी वही तस्स उदयन बाकी देखें चारित्र चारित्र को परिनिबद्धम रोकने वाली कषायम कषाय जिनवरे ही जिनेन्द्र भगवान के द्वारा परिकयम कहा गया यानी चारित्र को रोकने वाली कषाय है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा तस उस कषाय का उदयन उदय होने से जीवो जीव अचरितो अचारित्र वाला होदी होता है ऐसा नादव्यो जानना चाहिए यानी चारित्र को रोकने वाली कषाय है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उस कषाय का उदय होने से जीव अचारित्री चारित्र से उल्टा चलने वाला होता है ऐसा जानना चाहिए लब्धि जी चारित्र परिनिबद्धम् कसायम् जिनवरे हि परिकहियम् तस्सोदयेन जीवो अचरितो हो दिनादवो बहुत अच्छा अंकिता बहन जी घर पास में चल चारित्र परिनिबद्धम् कसायम् जिनवरे हि परिकहियम् तस्सोदयेन जीवो अचरितो हो दिनादवो स्वाति बहन ये पढ़ेंगी क्या
आजकल अपने मंगलारती कोई नहीं देखते बहन जी, मैं पढूं? हाँ जी पढ़िए। चारित्र परिणि बद्धम् कषायं जिनवरेहि परीतयम् तस्योदयेन जीवो अचरतितो होति न दब्बो। बहुत अच्छा, बस करेंगे। उसके लिए दिन वाणी बंदना सकते।